नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ सावन का महीना। बिहार में अब अनाथ बच्चों को खोजेंगी सेविका। बिहार में अब लोगों को दी जाएगी पानी की जांच की रिपोर्ट। चिराग पासवान का नीतीश कुमार को लेकर नरम हुआ रुख। 31 जुलाई तक पूरी तरह से बंद हो जाएगा मीठापुर बस स्टैंड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आरआरबी ऑफिशियल असिस्टेंट क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर के छात्र आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत अब जिन भी छात्रों ने अपने फॉर्म भरे हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 अगस्त को होने वाली है। आपको बता दें आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 45 मिनट का होगा। कुल मिलाकर 80 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए 80 सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 40 सवाल और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक अंक का होगा। आज से शुरू हुआ सावन का महीना। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शंकर भगवान और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। सावन महीने के सोमवार को भोलेनाथ और मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा का विधान है। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी सावन पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। यही कारण है कि सावन के महीने में शुरू होने वाले कांवर यात्रा पर इस बार भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही इस दौरान देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर का पट नहीं खोलने वाला है। इसके साथ ही आज से शुरू होने वाले सावन महीने में प्रशासन इस दौरान सतर्क मोड में काम करने वाली है। 31 जुलाई तक पूरी तरह से बंद हो जाएगा मीठापुर बस स्टैंड। आने वाले कुछ ही दिनों में राज्य के किसी भी इलाके में बस से जाने के लिए यात्रियों को बैरिया ISBT से जाना होगा, जो कि 31 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। इस बाबत ISBT में कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने टर्मिनल परिसर में संचालित सभी कामों को तत्काल पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत तक मीठापुर बस अड्डा को ISBT बैरिया से पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाएगा। टर्मिनल पर आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही नोडल पदाधिकारियों के रूप में प्रवीण कुंदन को नामित किया गया है। बिहार के महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी का हुआ खुलासा। बिहार के महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में बीते दिन गड़बड़ी पाई गई है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन योजना के तहत बिहार के स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने के लिए भेजे गए अनाज के बोरों के रुपए ही हजम कर लेने का मामला सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 और 15-16 में 1,27,27,588 बोरों की बिक्री नहीं की गई है। इसमें 12,72,75,891 रुपए यानी कि लगभग 13 करोड़ राजस्व घाटा हुआ है। हालांकि अब ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति सक्रिय हुई है। समिति ने MDM के निदेशक से बिहार के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से बोरों की बिक्री से प्राप्त हुए आय की रिपोर्ट की मांग की है, जो कि एक सप्ताह के अंदर देनी होगी। लोगों को दी जाएगी पानी की जांच की रिपोर्ट। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत लोगों को पानी की जांच रिपोर्ट देने का काम किया जाना है। PHED विभाग की माने तो बिहार के सभी 56,000 वार्ड में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी योजनाओं में पानी के नमूने की जांच का आदेश हर महीने दिया गया है। साथ ही पानी की जांच रिपोर्ट को पंप ऑपरेटर के पास रखे रजिस्टर में लिखा जाता है, लेकिन PHED ने इस नियम में बदलाव करते हुए लाभुकों को पानी की जांच रिपोर्ट से अवगत करवाने का आदेश दिया है, ताकि जिस तरह का पानी लोग पी रहे हैं उसकी सारी जानकारी उनके सामने हो, जिससे कि उनके मन में कोई भी शंका ना रहे और विभाग भी लाभुकों को रिपोर्ट देने के बहाने योजना संबंधित फीडबैक भी उनसे हर महीने ले सके। राज्य के अधिकांश जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज हर दिन बदलता रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों ट्रफ लाइन फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, रांची, बालासोर, बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवाती परिसंचरण, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास फैला था, वो गुरुवार को कमजोर हो गया है। इसके प्रभाव से बिहार में नमी युक्त पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव है। वहीं बिहार में लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होने का भी आसार। सभी जिलों में वज्रपात के साथ ही कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की आशंका है। मॉनसून के सक्रिय होने की वजह से 26 और 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे थे। वो एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक चार पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं लिखी जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। जातिगत जनगणना के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बयान। जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए सरकार के दो मत है। जहां एक तरफ जदयू इस वक्त की मांग बता रही है, वहीं भाजपा इसे अपना पलड़ा झाड़ रही है। इसी बीच अब जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। इससे एससी एसटी के अलावा अन्य कमजोर वर्ग है उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 एवं पुनः 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था तथा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोबारा से पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। कोविड 19 के कारण मेट्रो की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि पटना मेट्रो का काम अगले महीने से नए रफ्तार के साथ गति पकड़ने वाला है, जिसका काम पटना के एलएनटी को दिया गया है, जिसके तहत ही अब यह कंपनी दो सुरंग के साथ साथ 6 अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के सामान्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके अनुसार एलएनटी ने कॉरिडोर 2, जो कि पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी तक 14.5 किलोमीटर लंबी है, उसके लिए कुल वित्तीय बोली में सबसे कम कीमत की बिडिंग थी। बिहार के संस्कृत स्कूल में लौटेगी रौनक। बिहार के संस्कृत विद्यालयों में बहाली का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। बिहार के सभी संस्कृत स्कूल में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। राज्य में प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय में जल्द ही शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इन बहालियों की सारी जानकारी दे दी है। साथ ही ये भी साफ किया है कि स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों और अन्य खाली पड़े पदों पर यह बहाली होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिले में डीएम को निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें जिला अंतर्गत प्रस्वीकृत स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों के खाली पदों पर रोस्टर क्लियरेंस कर भेजने को कहा गया है। बिहार में अब अनाथ बच्चों को खोजेंगी सेविका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के साथ ही बिहार में कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब सभी अनाथ बच्चों को प्रति महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे और अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस योजना से जोड़ दिया गया है, जिसके तहत अब जो भी सेविका इस योजना के तहत अनाथ बच्चों का खोज करेंगी उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति बच्चा 50 रुपए देने का प्रावधान है, ताकि कोई भी बच्चा अनाथ न छूट जाए। वहीं अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सहायक निदेश जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों से मुफ्त उपलब्ध है। इस आवेदन को भरकर आंगनबाड़ी सेविका को देना होगा। किसानों की सूझबूझ से बाल बाल बची हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस। यह वाक्या भभुआ का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर स्थित पुसौली और मुठानी स्टेशन के बीच शनिवार की सुबह 7:30 बजे दो किसानों ने रेल की टूटी पटरी देखी। ये दोनों किसान सुबह धान की रोपनी करा रहे थे। प्रेमचंद्र और राम प्रवेश ने जैसे ही हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 02496 को उस पटरी पर आते देखा, दोनों किसानों ने अपना लाल गमछा दिखाया। इससे ट्रेन के चालक ने भी समझदारी का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दिया, जिससे ट्रेन पर सवार लोगों की जान बच गई। यदि ग्रामीणों ने गमछा नहीं दिखाया होता तो ट्रेन के बेपटरी होने के तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था। बिहार में एसआरजी और केआरपी के पदों पर तैनात शिक्षकों को मूल विद्यालय लौटने का जारी हुआ आदेश। बिहार में बीते कई सालों से राज्य संसाधन समूह और मुख्य स्रोत व्यक्ति के पदों पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हालांकि अब ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालयों में योगदान करने का आदेश जारी किया गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इन पदों से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साक्षरता की राज्य संपोषित योजना की निगरानी के लिए एसआरजी और केआरपी के पद पर स्कूली शिक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो शिक्षा विभाग ने यह पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया है। चिराग पासवान का नीतीश को लेकर नरम हुआ रुख। विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को लेकर खूब उल्टा सीधा बयानबाजी करने वाले चिराग नरम पड़ गए हैं। बीते दिन जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े हैं, वो उनके पिता के समकक्ष रहे हैं, इसलिए वो उनके लिए सम्मानित है।
हाँ, मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर जब एक सेतु की तरह काम करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, वो भी तब जब वो साथ में थे। मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच की परेशानी ही तब शुरू हुई जब मैंने 7 निश्चय योजना को लेकर बोलना शुरू किया था। बिहार में मिले कोविड 19 के 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 75 मामलों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 529 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 2, औरंगाबाद में 1, भोजपुर में 1, दरभंगा में 4, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 8, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 1, नवादा में 2, पटना में 12, पूर्णिया में 7, रोहतास में 1, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 2, शेखपुरा में 3, शिवहर में 1, वैशाली में 1, वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गया, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज में 1 भी मामले सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 161531 सैंपल की जांच की गई, वहीं 125 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। नेपाल भारत सीमा से बिना शुल्क चुकाए नहीं प्रवेश कर सकेगा कोई भी मालवाहक वाहन। लौकहा में सीमा शुल्क कार्यालय बनाने के लिए भारत नेपाल सीमा के पास राजस्व विभाग जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों की माने तो पटना नेपाल बॉर्डर के पास ही भारतीय सीमा से सीमा शुल्क का कार्यालय खोला जाएगा, जिसके बाद बिना शुल्क चुकाए मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कार्यालय खोले जाने के बाद खुटौना प्रखंड के लौकहा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ जाएगी। अधिकारियों के अनुसार भारत नेपाल के लौकहा सीमा पर नेपाल ने अपने क्षेत्र में सीमा शुल्क कार्यालय तैयार कर लिया है। अब भारत में कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र को भी नहीं छोड़ने की कही बात। इन दिनों अवैध बालू खनन का मामला लगातार सामने आया है, जिसके कारण सरकार को भी काफी किरकिरी का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर अवैध बालू खनन के मसले पर 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बसों के परिचालन को हरी झंडी दिखाने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार बख्शने का काम नहीं करती है, चाहे वो व्यक्ति सरकारी तंत्र का क्यों ना हो। यानी कि जिन भी अधिकारियों की भूमिका जांच में गड़बड़ पाई गई है उन पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती ही हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि कोई गड़बड़ी ना हो। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से पूछे सवाल। बीते दिन जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय आधार पर जनगणना की बात पर जोर दिया था, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश का ही घेराव किया है, जिसके तहत तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री है, फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं। राजद के 21वें प्रदेश उपाध्यक्ष बने महेश्वर सिंह। राजद में हाल ही में शामिल हुए पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को राजद ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी, जिसके तहत बीते दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें पार्टी की तरफ से पत्र सौंप दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, महेश्वर सिंह ने साल 2010 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी के टिकट पर और साल 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर हरसिद्धि विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद के चुनाव में मजबूत पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मीराबाई चानू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। बीते दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है, जिसके तहत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलो वर्ग में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी साइखोम मीराबाई चानू को जगह मिल गई है। इसके बाद उन्हें जगह जगह से बधाई भी मिल रही है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीराबाई चानू को जीत की बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा कि साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मीराबाई चानू प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। सितंबर महीने से शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच बच्चों के लिए खुशखबरी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि जाइडस कैडिला का ट्रायल पूरा हो गया है और अब उन्हें आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलने का इंतजार है, जिसके बाद सितंबर महीने से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना वैज्ञानिकों ने पहले ही जता दी है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू होने से कोरोना की तीसरी लहर की लड़ाई
मजबूत हो जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में पहली नौका दौड़ का आयोजन 1813 में आज के दिन हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह ने 25 जुलाई 1977 में भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। रंगास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 में भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे। एस डी शर्मा 25 जुलाई 1992 में भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। के आर नारायण 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। प्रतिभा पाटिल ने 2007 में भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का जन्म 1929 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हरसिमरत कौर बादल का जन्म 1966 में आज के दिन हुआ था। सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन 25 जुलाई 1880 को आज के दिन हुआ था। टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड जाएंगे पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अगले महीने मैदान में उतरने वाली है। हालांकि मैच से पहले शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान को चोट के कारण मौजूदा दौर से बाहर होना पड़ा है, जिसके बाद पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड दौरे में भारतीय टीम के साथ जाने को तैयार है। सूर्य कुमार यादव को पहली बार टेस्ट टीम के लिए बुलावा मिला है। ये दोनों खिलाड़ी बतौर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 3 खिलाड़ियों के चोट के कारण बाहर होने के बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों की मांग की थी। बीसीसीआई एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, हाँ, पृथ्वी और सूर्यकुमार श्रीलंका से ब्रिटेन जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,430 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,430 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,050 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.72 रुपए प्रति लीटर था। फ्लाइट मोड में डाले पाए इनकमिंग कॉल से छुटकारा। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप फोन को फ्लाइट मोड में डाले बिना भी इनकमिंग कॉल को रोक सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में कॉल सेटिंग ऑप्शन पर जाएं, फिर आप कॉल फॉरवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद एक बार जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 और ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें लिखा होगा ऑलवेज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड व्हेन बिजी और फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड। इसके लिए ऑलवेज फॉरवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो या तो बंद है या फिर काम नहीं कर रहा है। फिर इनेबल बटन पर क्लिक करें। इससे आपके नंबर पर आने वाले सभी कॉल बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही आप बिना किसी समस्या के मोबाइल डेटा का उपयोग भी कर पाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, रंजीत कुमार, मंजीत पांडे, पप्पू कुमार, रामू कुमार, महेश कुमार, मुकेश झा, सनी कुमार, मनीष मोहरा, राजू मंडल, नुन्नू कुमार, आभा कुमारी, संतोष कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, श्रवण यादव, कृतिका गुप्ता, पप्पू साहू, अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।